एक दिन उन्हें विश्वास नहीं था किसी के ऊपर। एक दिन कहीं सत्संग में सुना है भागवत में गणेश जी की बड़ी उपमा है, सोचिए अब हम भी पुजारी बनेंगे। गणेश जी की मूर्ति लाए, घर में रख ली, रोजाना सवेरे को जाए मार्केट से लड्डू लेके आए चढ़ाए। पांच छह दिन भाई एक दिन पूजा कर रहे थे, सुखा दे की चूहा आओ मैंने लड़ुआ उठाओ चलो। उनने सोची इनने जब अपन लड़ुआ ना रखा है भाव, अरे हम तो बिना मतलब में पूजा कर रहे थे, इनसे जबरदस्त तो चूहा है। तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ पांच दिन में उनने चूहा पकड़ पाओ, पूछ मारी, अलमारी में रख ले, रोजाना जाए लड्डू लेके आए अगरबत्ती लगाए बाहू खवाए। पांच छह दिन हो पाए पूजा कर रहे थे, एक दिन बा अब चूहा ने जैसी बिल्ली दे दी, और चूहा बा बिल्ली बोले कि चूहा बा। सोची गणेश जी से जबरदस्त चूहा, चूहा से जबरदस्त बिल्ली का लंबा पत्ते, अरे मैं तो बिल्ली की पूजा करनी थी अब तो मैं बिल्ली की पूजा कर लू। पूजा करते रहे, उनके घर में कुत्ता और पलो रहे। एक दिन जैसे बिल्ली ने कुत्ता देखो सुबह के मैं बहुत भागे, अब तो बड़े परेशान, बोले बिल्ली से जबरदस्त तो कुत्ता, कुत्ता की पूजा करे। एक दिन आया तो बाबा रसोई के दरवाजे खुलो रहे, सो कुत्ता भीतर घुस गयो, मैंने सब रोटी खाई, और जब रोटी खाई उनकी पत्नी ने देखो सो बड़ी गुस्सा आई, सो डंडा उठाओ पंचे दे। अब तो फिर सोची गणेश जी से जबरदस्त चूहा, चूहा जबरदस्त बिल्ली, बिल्ली जबरदस्त कुत्ता, अरे कुत्ता से जबरदस्त तो मेरी पत्नी है। बिना मतलब में भागा फिरे, हैं पत्नी की पूजा करनी चाहिए। थाली सजाई, दीपक जलाओ, अगरबत्ती लगाई, पत्नी जा बैठी रहे सामने पहुंची। पत्नी कह ली क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे? बोले चुप, बोला नहीं जाता। पत्नी कहती तुम्हें और क्या गया, ये क्या कर? बोले पूजा करते समय बोला नहीं जाता, मैंने कह दिया ना। मतलब पत्नी ना मानी से उन्हें गुस्सा आई, से दंगा बैठा हो रहा पांच छह नहीं थी। फिर सोची हमें जमाल पत्ते सबसे जबरदस्त तो हम ही है। तो मतलब आत्मबल, आत्मबल होना चाहिए, जब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं है तब तक किसी भी कार्य को हम पूर्ण नहीं कर सकते।